ब्यूटीफुल स्किन यानी खूबसूरत दमकता चमकता चेहरा। तो इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं मैरी गोल्ड की। तो मैरी गोल्ड यानी कि गेंदे के फूल इस सीजन में बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मैरी गोल्ड से रेमेडी बनाने वाले हैं, जिससे आपकी स्किन में जो दाग धब्बे हो गए हैं, स्किन बदरंग हो गई है, स्किन में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई है या ऑयली हो गई है स्किन, स्किन में रिंकल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्किन खिंची खिंची है, तो इन सब के लिए मैरी गोल्ड फ्लावर से बनी रेमेडी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। मैरी गोल्ड फ्लावर में बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं, जो स्किन में आपके जो भी डैमेजेस होते हैं, रिंकल्स है, पिंपल्स है, उन्हें रोकता है। अगर स्किन आपकी ऑयली है तो उसे भी ये कंट्रोल करता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम यूज करने वाले हैं दही। थर्ड इंग्रेड हम यूज़ करने वाले हैं हाफ लेमन जूस। और फोर्थ इंग्रेड हम यूज़ करने वाले हैं रोज वाटर, जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इवन टोन देगा और स्किन को टोन भी करेगा। इसके बाद हम जो हमने मैरी गोल्ड फ्लावर लिए हैं उन्हें हम इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो मैरी गोल्ड की जितने भी पेटल्स हैं उन्हें हमें तोड़ लेना है, और इसके जो नीचे का पार्ट है वो भी हमें इसमें डाल देना है। तो जब रोज़ पेटल को हम तोड़ लेंगे, सारी रोज़ पेटल को तोड़ लेंगे, तो इसे हमें मिक्सी जार में डाल करके एक इसका पेस्ट बना लेना। बट मैं मिक्सी जार में नहीं, मैं इसे पत्थर पर पीस कर इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने पत्थर पर पीस करके इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच दही, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारी स्किन को ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब हमें जो रोज़ वाटर है इसमें हमें ऐड कर देना है, और उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई, इसमें हमने जो हाफ लेमन जूस लिया था तो उसकी 5 से 6 बूंदें हम इसमें ऐड कर देंगे। लेमन जूस पड़ जाने से ये और ज़्यादा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। इस मैरी गोल्ड पैक में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन करती है, जिससे हमारी स्किन का कलर भी फेयर होता है और स्किन में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, एक्ने, रिंकल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। ये पैक हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जब ये मिक्स हो जाए तो इसे आप अपने चेहरे पर कम से कम 15 मिनट के लिए लगाकर इसी तरीके से छोड़ दीजिए। ये पैक आपकी स्किन में जान लाएगा, स्किन को क्लीन करेगा और स्किन में जो भी ब्लेमिशेस हैं उन्हें दूर कर देगा, हाइपर पिगमेंटेशन उन्हें भी ये रिमूव करेगा। तो आई होप इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो स्किन में सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दे। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके काम की होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।